हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हैव अ गुड डे। कैसे हो? आई हो अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। देखेंगे इसमें आज मॉर्निंग में क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, क्या चांसेस है आज आप दोनों के बीच होने का, जानने की कोशिश करेंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप इस रीडिंग को वॉच कर सकते हो, कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। तो चले बिना देरी के रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं क्या है आपके पार्टनर के माइंड में आज मॉर्निंग में। आप दोनों साथ में हो सकते हो, साथ में नहीं भी हो सकते हो, कांटेक्ट है कांटेक्ट नहीं है, या ये आपके क्रश हैं, आपके एक्स पार्टनर हैं, मैटर नहीं करता। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। और जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि पूरी की पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करें, तो जितना भी रीडिंग आपसे मैच करे उतना रखिएगा, जो नहीं हो रहा है उसको टोटली इग्नोर करना है। तो क्या कुछ सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में, वो क्या फील कर रहे हैं? हैप्पी फैमिली, ओके। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, इनका ही आपका शाइन हो सकता है। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, उनका ही आपका शाइन हो सकता है। नंबर 5, नंबर 3 या नंबर 14, 13 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 35, 36 या 38 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओके, तो ऐसा दिखाई दे रहा है जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो करेंटली, जिनके बारे में सोचकर आप इस रीडिंग को देख रहे हो, वो व्यक्ति आपको अपना फैमिली मानते हैं। शायद आपके पार्टनर रूड हो सकते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि इनमें इमोशंस नहीं हैं, काफ़ी प्रैक्टिकल हैं, काफ़ी प्रैक्टिकली आपको अप्रोच करते हैं, ये कभी अपना लव शो नहीं करते, लव दिखाते नहीं हैं। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि ये व्यक्ति सामने से ना दिखा पाए, अपना लव शो ना कर पाए, पर इनके हार्ट में, इनके माइंड में आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है। ऐसा एनर्जी है कि आप इनकी फैमिली हो, आप इनके हस्बैंड वाइफ हो सकते हो, या ये व्यक्ति आपको अपनी फैमिली मानते हैं, अपने हस्बैंड वाइफ के रूप में देखते हैं, आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स है, आप दोनों का ऑलरेडी बेबी है, या तो ये आपके साथ चाहते हैं एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, एक ब्यूटीफुल मैरिड लाइफ, ये आपके साथ चाहते हैं। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति आपको मिस कर रहे हैं, अगर आपसे दूर हैं तो आपसे मीटिंग करना, कंप्लीशन करना चाहते हैं। और अगर यहाँ पर लव ट्रायंगल है, यानी कि आप किसी और के साथ हो या आपके पार्टनर किसी और के साथ हैं, स्पेशली अगर आप किसी और के साथ हो तो आपके पार्टनर का नज़र आप पर बनी हुई है, आपके पार्टनर आपको देखकर उनको ऐसा लगता है कि आप अपनी दुनिया में, अपनी लाइफ में खुश हो, हैप्पी हो, किसी और के साथ आपने बिल्कुल आप एडजस्ट हो गए हो, आप वहाँ कंफर्टेबल हो, आप बहुत खुश हो, हैप्पी हो। तो ये चीज़ इस व्यक्ति को हर्ट कर रही है, इनको गुस्सा दिला रही है। ये व्यक्ति इस चीज़ से काफ़ी जेलसी फील कर रहे हैं, क्योंकि जो ये आपके साथ चाहते हैं, जो इनका सोच ये है कि जिस तरह का लाइफ आप जी रहे हो किसी और के साथ, किसी कोई और है आपके लाइफ में, ठीक है, उनकी जगह इनको होनी चाहिए थी, इनके साथ ये हैप्पी फैमिली, यानी कि आपके साथ आप दोनों का हैप्पी फैमिली होना था, ना कि आप किसी और के साथ हो या किसी और के साथ हैं, ऐसा नहीं। तो ये चीज़ इस व्यक्ति को हर्ट कर रही है, और इनका मानना ये है कि इनके लाइफ में ये सब हुआ है तो इससे ये हार्टलेस बन चुके हैं, ये इनका सोच है, ठीक है। ये आपसे उखड़े उखड़े से रह रहे हैं, आपसे बात नहीं करते सही से। और अगर ये आपके हस्बैंड वाइफ हैं, आप दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, तो ऐसा लग रहा है ना कि आप दोनों को ही एक दूसरे से शायद थोड़ा सा शिकायत है। आप दोनों को ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि उनको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, और वो व्यक्ति खामोश काफ़ी रहते हैं, बात नहीं करते सही से, वर्कोहोलिक हो सकते हैं, ये करेंटली बन गए हैं, पर आपको मिस करते हैं, ठीक है। उनके माइंड में आपके लिए एक पॉजिटिव एनर्जी देख पा रही हूँ मैं।
और क्या है आपके पार्टनर के माइंड में, और क्या कुछ सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में? ओके बच्चे, कई लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका पार्टनर आपका वेट कर रहे हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं, जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो, जिस भी ये जेंडर के हैं आप हो, ये व्यक्ति आपका वेट कर रहे हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं, काफ़ी वक्त से कर रहे हैं कि कब आप इनकी ओर मूव करो या ये आपकी ओर मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे वेटिंग एनर्जी दिखाई दे रहा है। मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ कि ये खुद को अलोन पा रहे हैं, इनको ऐसा लगता है कि जरूरी नहीं है कि आप किसी और के साथ ही इन्वॉल्व हो, आप सिंगल भी हो सकते हो, आप अपनी फैमिली के साथ हो, आप जो भी हो, पर इनका सोच ये है कि आप अपनी लाइफ में खुश हो, हैप्पी हो आपकी अपनी फैमिली के साथ। ठीक है, आपके जितना खुश, आपके जितना सुकून में ये नहीं है। ये कभी कभी आपकी लाइफ से काफ़ी जेलसी फील करते हैं कि आपके पास ऐसे प्यार करने वाले लोग हैं, प्यार करने वाले लोग हैं, आपका ख्याल रखने वाले, आपका पैम्पर करने वाले, आपको ट्रू लव देने वाले ऐसे लोग हैं। ठीक है, जो सच में आपका परवाह करते हैं, आपका ख्याल रखते हैं, आपसे प्यार करते हैं, और ये चीज़ इनके लाइफ में नहीं है। तो ये व्यक्ति कभी कभी काफ़ी जेलसी फील करते हैं। इनके ना जेलसी में ये भी देख पा रही हूँ कि आप खुश हो, हैप्पी हो, वो भी इनके बिना, जब ये आपके लाइफ में नहीं है। तो इनका जेलसी काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर। और एक चीज़ और नोटिस कर पा रही हूँ कि इनको ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति ने किसी को अपनी लाइफ में, इनके लाइफ में कोई ऐसा नहीं है जिनके साथ ये बहुत खुश हो, हैप्पी हो, जिनके साथ एक फैमिली वाली वाइब्स हो। ठीक है, जो भी इनका सिचुएशन है, जो भी इनका कंडीशन है, पर ये इनका सोच है कि जितना आप खुश हो अपनी लाइफ में उतना ये व्यक्ति नहीं है, और इन्होंने अपनी लाइफ में किसी और को वो जगह नहीं दी है जो कि आपका है या आपका होता। ठीक है, इन्होंने आपके बाद एक ना लकीर खींच लिया है कि इससे आगे आप मेरी लाइफ में नहीं आ सकते जब तक मैं ना चाहूँ, और इनका मन भी नहीं करता किसी और को अपनी लाइफ में लाने का, किसी और के साथ फैमिली क्रिएट करने का। मुझे कई लोगों के लिए ये एनर्जी मिल रहा है। ठीक है, इनका सोच ये है, इनके दिमाग में इन्होंने ये बैठा लिया है कि अब मुझे किसी रिलेशनशिप में जाना ही नहीं है, क्योंकि इनको नहीं लगता कि ये इसके लिए आपके पार्टनर रेडी हैं। अगर आप दोनों के बीच लव ट्रायंगल है तो ठीक है, ये दूरी आ गई है। तो एरिस, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, या तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पिसेस आपके लिए नंबर 9-3 इम्पोर्टेंट हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कई लोगों के लिए कि आप दोनों का ब्रेकअप हो गया है, तो इस चीज से इन्होंने अभी तक मूव ऑन नहीं किया है, खुद को हील नहीं किया है। और क्या है आपके पार्टनर के माइंड में, सोच क्या रहे हैं वो डेविल? ओके, एक वक्त पर ये आपके लिए काफ़ी बगलाए हुए से थे। ठीक है, एक वक्त पर ये आपके लिए काफ़ी प्रोटेक्टिव थे, काफ़ी पजेसिव थे, काफ़ी पागल थे आपके पीछे। ठीक है, कि आप इनके हो, ये आपके हैं, एक जुनून था, दीवानगी था, और शायद आज भी है, पर ये शो नहीं हो पा रहा है अगर आप दोनों के बीच दूरियां हैं तो। और अगर आप दोनों क्लोज आते हो, साथ आते हो, या बातचीत होती है, कभी फाइट हो जाती है, कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, पर कभी सही भी हो जाती है चीज़ें, इस तरह का आप दोनों का कनेक्शन है, तो इनका सोच ये है, ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा मुझे पजेसिव दिखाई दे रहे हैं, प्रोटेक्टिव दिखाई दे रहे हैं, और आप इनके हो, ये आपके हैं, इस वाले एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपको किसी और के साथ देखना, इनके तन बदन में आग लग जाती है, ये काफ़ी जेलस फील करते हैं, इनको ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। ठीक है, मैं ना ऐसा देख पा रही हूँ कि इनके माइंड में एक अलग ही डर है कि
कहीं इनको चीट ना मिले, कहीं आप इनको चीट ना करो, धोखा ना दे दो, इनसे दूर ना हो जाओ। मुझे ये डर दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर में, पता नहीं क्यों पर इनको ऐसा लगता है। ठीक है, भले ही ये जैसे भी हैं पर आपसे इनको ये नहीं चाहिए। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कई लोगों के लिए ये अपने गुस्से में, जेलसी में या कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए निगेटिव हो सकते हैं, टॉक्सिक हो सकते हैं। तो ये व्यक्ति आपका वैल्यू नहीं कर पाते, नहीं समझ पाते या नहीं समझ रहे हैं करेंटली। ठीक है, ये चीज़ इनको वक्त के साथ रियलाइज होगी, डोंट वरी। चलिए देख लेते हैं आज के दिन को लेकर क्या है आपके पार्टनर का प्लान, क्या उनका कुछ प्लान है। यहाँ पर अभी तक साइंस आया है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पिसेस और कैप्रिकॉर्न। देख लेते हैं आज के दिन क्या है आपके पार्टनर का प्लान। आपके लिए नंबर 7, 9, 10 या 15 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आज के दिन को लेकर क्या है आपके पार्टनर का प्लान, क्या इन्होंने कुछ स्पेशल सोच रखा है, क्या इनका कुछ स्पेशल प्लान है आपके साथ रिलेशनशिप में, क्या इनका प्लान है आज के दिन आपके लिए। ओके, कुछ चीज़ों को लेकर आपके पार्टनर आपको क्लियर करना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहिए या तो क्लियर करना चाहते हैं। ये व्यक्ति आपको काफ़ी ज़्यादा स्टॉक करते हैं, आपके बारे में बातें होती हुई दिखाई दे रही है। कई लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों को लेकर गॉसिप हो रही है, काफ़ी ज़्यादा लोग बातें कर रहे हैं आप दोनों के बारे में, चाहे आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, या आप दोनों ने अभी तक लव कन्फेस नहीं किया है। पर आप दोनों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारे लोग आप दोनों के बारे में जानते हैं, तो जो जानते हैं मुझे गॉसिप होते हुए दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो जो चीज़ इनको अच्छी नहीं लग रही है ये गॉसिप, अगर इन तक ये बात पहुँच जाती है तो ये व्यक्ति बिल्कुल आपको प्रोटेक्ट करते हुए या आपका फेवर लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपके लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और क्या प्लान है इनका आज के दिन, आपके पार्टनर का क्या प्लान है आज के दिन। ओके, जो ये आपके साथ चाहते हैं, चाहे मेटिंग हो, चाहे कंप्लीशन हो, चाहे फैमिली हो, फैमिली क्रिएट करना हो, चेंजेस हो, इस सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं, आप दोनों के बीच दूरियां हैं या साथ में हो और कुछ बड़ा चाहिए, तो ये व्यक्ति जो आपको लेकर ड्रीम्स है, जो डिज़ायर्स है, जो विश है, इच्छा है जो इनका, वो सब पूरा करना चाहते हैं या चाहते हैं कि वो सब पूरा हो। ठीक है, चांद को देखकर आपकी ख्वाहिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव चेंजेस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कंप्लीशन, फैमिली, हैप्पी फैमिली मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप दोनों के रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी है, निगेटिविटी है, तो ये चाहते हैं कि ये रिमूव हो जाए और आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी आए, आपके रिलेशनशिप में क्लैरिटी आए। मैं ना कई लोगों के लिए ऐसा भी देख पा रही हूँ, आपके पार्टनर आपको जेलस फील कराने के लिए उन्होंने ऑलरेडी कुछ किया है, ये तो आने वाले वक्त में कर सकते हैं। ठीक है, और अगर ये ऑलरेडी किसी और के साथ हैं पर आप ऐसा शो कर रहे हो, या ये सच भी हो सकता है कि आपको कुछ भी जेलसी फील नहीं होती, आपको सच में नहीं होती, या तो आप ऐसा शो होने नहीं दे रहे हो कि आपको जेलसी फील होती है। ठीक है,
तो आपके पार्टनर यहाँ पर मुझे गुस्सा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मन ही मन में चिढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपको गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है, आपको जेलेसी फील क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो जानबूझकर कोशिश किया था, ट्राई किया था आपको जलाने का, ऐसा हो क्यों नहीं रहा है? आप लव करते भी हो कि नहीं? आप क्यों नहीं हो इनको लेकर पजेसिव? अगर आप नहीं हो रहे हो तो ये व्यक्ति देखना चाहते हैं ये आप में। और अगर आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा पजेसिव हो जाते हो तो ये चाहते हैं कि आप थोड़ा सा नॉर्मल रहो, आप ट्रस्ट करो इन पर, आप भरोसा करो, ठीक है? कुछ चीज़ें नॉर्मल होती है तो उसको लेकर आप नॉर्मल ही बिहेव करो, ये इनका सोच मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं, अगर ट्रस्ट इशू है आप दोनों के बीच, या आप ट्रस्ट नहीं कर पाते, तो ऐसा दिखाई दे रहा है। आज के दिन को लेकर और क्या है आपके पार्टनर का प्लान? क्या इन्होंने कुछ प्लान बना रखा है? ओके, अगेन यहाँ पर हैप्पी फैमिली मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? काफी वेल्दी रिच हो सकते हैं आपके पार्टनर। ये कुछ ऐसे करना चाहते हैं कि आप दोनों की जो लाइफ है वो सिक्योर हो, ठीक है? किसी तरह का दिक्कत ना आए आफ्टर मैरिज, ये जब आप दोनों साथ में आओ तो इसके लिए मुझे सब कुछ अच्छे से रेडी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी? मुझे कई लोगों के लिए फैमिली मीटिंग भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? ये रेडी है आपको कमिटमेंट देने के लिए, आपके साथ फैमिली क्रिएट करने के लिए, आपके साथ इस रिलेशनशिप को हील करने के लिए, आपके साथ इस रिलेशनशिप में नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए मुझे रेडी दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। पर ना मैं कई लोगों के लिए, हो सकते हैं कुछ लोग यहाँ पर, उनके लिए मुझे निगेटिव वाइब्स आ रही है। हो सकता है कि जिनसे डील कर रहे हो वो व्यक्ति आपके लिए राइट नहीं है, एक डेविल की एनर्जी में है, काफ़ी टॉक्सिक है, निगेटिव है, या आपको ऐसा लगता है आपने फेल किया है कि ये सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप है, जैसे ही जरूरत पूरी होती है वैसे ही। यहाँ पर इमोशंस नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, कोई लव नहीं है, एक तो अटैचमेंट है, यह तो बस जरूरत है यहाँ पर, ऐसा आपने फील किया है। ये चीज़ आपको सोचने पर मजबूर करती है, ये चीज़ आपको हर्ट कर रही है, ठीक है? या आपके पार्टनर की जब आप बहुत ज़्यादा क्लोज चले गए, तब इन्होंने आपको, आपका हार्ट ब्रेक करके, आपका ट्रस्ट ब्रेक करके चले गए आपके लाइफ से। तो ये व्यक्ति आज भी आपको स्टॉक करते हैं, ठीक है? आ भी सकते हैं या आपके लाइफ में वापस कम बैक कर सकते हैं, तो थोड़ा सा अवेयर रहिएगा अगर ये व्यक्ति आपके लाइफ में आते हैं तो, ठीक है? अगर आप अपने पार्टनर को अच्छे से नहीं जानते तो जानिए पहले उनको, उसके बाद कुछ केस है, ठीक है? आप ऑलरेडी इंडिपेंडेंट हो सकते हो, ये आपको होने की ज़रूरत है। चलिए देख लेते हैं आज के दिन क्या चांसेस है आप दोनों के बीच होने का, क्या कुछ हो सकता है। यहाँ पर सभी साइंस मुझे दिखाई दे रहे हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी आ गया है। आज के दिन क्या चांसेस है आप दोनों के बीच होने का? आपके पार्टनर और आपके बीच क्या कुछ हो सकता है आज के दिन? मुझे इंतजार दिखाई दे रहे हैं, आप इंतजार कर रहे हो, आपके पार्टनर कर रहे हैं, या आप दोनों ही एक दूसरे का वेट कर रहे हो, ठीक है? तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज आ रहा है, आप इंतज़ार करने के बजाय वो कीजिए जो आपके लिए बेहतर है, जो सच में सही है। अगर आपके पास कोई एडवाइस लेने के लिए आए, आप मुझे काफ़ी मैच्योर दिखाई दे रहे हो, पता है, काफ़ी इंटेलिजेंट, काफ़ी मैच्योर दिखाई दे रहे हो, पर
जब बात आपकी खुद की आती है तो हो सकता है कि आप राइट एक्शन नहीं ले पाते या जो आपको करना चाहिए आप वो नहीं कर पाते। ठीक है, आप खुद मुझे एक टीचर की तरह दिखाई दे रहे हो, एक गाइडर की तरह दिखाई दे रहे हो, एक एडवाइज़र की तरह दिखाई दे रहे हो। तो अगर ये क्वालिटी आप में है तो सोचिए, अगर कोई जिसका हाल आप ही की तरह है और वो आपके पास आए और आपके माइंड में जो क्वेश्चंस है वो व्यक्ति आपसे क्वेश्चन करे, तो आप उनको क्या एडवाइस दोगे? आप क्या कहोगे कि उनको क्या करना चाहिए? सेम वही चीज़ फॉलो कीजिए, आपके लिए आसान होगा। ठीक है, अपनी लाइफ को आसान बनाइए, बहुत ज़्यादा मुश्किल मत कीजिए। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि जल्द ये नॉर्मल होने वाला है, ऑलरेडी मुझे नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं, नहीं है तो हो जाएगी, या जिन चीज़ों को लेकर आपको क्लैरिटी नहीं थी आप हो जाओगे क्लियर। मुझे हीलिंग दिखाई दे रहा है, खुद को हीलिंग, खुद का हीलिंग कर रहे हो आप, खुद को हील कर रहे हो, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी दिखाई दे रहा है, आप बैलेंस में मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, आप बैलेंस में आ रहे हो, बैलेंस लाइफ क्रिएट कर रहे हो, ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो, बैलेंस में हो। आपको पता है कि आपको क्या करना है, आप वो कर रहे हो जो आपको करना चाहिए। और क्या कुछ हो सकता है आज के दिन? क्या चांसेस है? ओके, आपको क्लैरिटी मिल सकती है, किसी तरह का हैप्पीनेस आ सकता है आपकी लाइफ में। ठीक है, आपके फैमिली को लेकर, किसी बेबी को लेकर, आपके आपका रिलेशनशिप, आपकी फैमिली, आपका कैरियर, जो भी हो, पर मुझे आपके लाइफ में हैप्पीनेस आते हुए दिखाई दे रहा है, क्लैरिटी आते हुए दिखाई दे रहा है, कोई सक्सेस आते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, मुझे ग्रोथ दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में, आप सुकून में दिखाई दे रहे हो, हैप्पी दिखाई दे रहे हो, आज हो या तो आने वाले वक्त में ये होने वाला है, जहाँ पर आप सुकून से हो। ठीक है, आप सेटिस्फाइड हो अपनी लाइफ से, अगर आपको आज शिकायत है अपनी लाइफ से या किसी से, आप खुश हो, हैप्पी हो, कोई गिला शिकवा नहीं है आपको। ठीक है, और क्या कुछ चांसेस है आज के दिन? तो कई लोगों का मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका आपके पार्टनर के साथ यूनियन होने का चांसेस है, रिकनसाइल कर सकते हो दूरियां हैं तो, और शादी से आते थे, एंगेजमेंट से आते थे, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, तो वो हो सकता है आप दोनों के बीच। ठीक है, आप दोनों का ये हो सकता है, रिश्ता पक्का हो रहा है, शादी कर रहे हो, कमिटमेंट प्रोवाइड कर रहे हो एक दूसरे को, सेलिब्रेट कर रहे हो लाइफ के हर मोमेंट को, दोनों खुश हो, हैप्पी हो, ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, कई लोगों का, और अगर आप दोनों का ब्रेकअप हो गया है या कांटेक्ट बंद है तो मुझे मेष करते हुए दिखाई दियो एक दूसरे को, कोई बहुत ज़्यादा किसी को याद कर रहा है, उसे बात नहीं हो रही है, उसके साथ मिलना, उसके साथ बातें करना, हंसना, मुस्कुराना, जो भी रहा है, जो भी आप दोनों के बीच हुआ है वो सब याद करते हुए दिखाई दे रहे हो दोनों ही। तो ये चांसेस है, ये रही आपकी रीडिंग, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर, ख्याल रखे आप अपना, और नेक्स्ट रीडिंग में किस टॉपिक पर लाऊं ये मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, तो टेक केयर।